बॉल वीवल बेंटन का एक ऐसा एलियन जो अपनी थूक से इतनी बड़ी बड़ी प्लाज्मा बॉल बना सकते हैं, जो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। और वो दिखता है एक बीटल की तरह, लेकिन है बड़ा ताकतवर और उसके पास बहुत सारी कमाल की एबिलिटीज है। तो आज हम देखने वाले बॉल वीवल की ओरिजिन स्टोरी, लेकिन इससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, ताकि आप तक ऐसी और भी वीडियोस पहुंच सके। तो बॉल वीवल एक ऐसा एलियन है जिसकी स्पीशीज और होमवर्ड हमें बेंटन में अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। तो बॉल वीवल की बॉडी एक इंसेक्टॉइड जैसी है, और बॉल वीवल एक छोटा येलो एलियन है जिसके पास एक ऐसी बीक है जो सच में बहुत स्केरी लगती है रियल लाइफ में। और इसके पास दो बड़े बड़े एंटीना है जो एक इलेक्ट्रिकल एंटीना लगते ही है, और इसके पास एक गले का पट्टा भी है जिसके ऊपर ओमनी ट्रिक्स है। तो अगर हम बात करें इसकी एबिलिटीज की, तो वो है प्लाज्मा बॉल जनरेशन, प्लाज्मा विप्स, शार्प जॉज, शार्प हॉर्न, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड बैलेंसिंग, इनहेंस्ड डेक्सटरिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, बॉल क्लाइंबिंग, बाइपेडलिज्म, मेटल एब्जॉर्प्शन वाया प्लाज्मा बॉल्स, एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाया प्लाज्मा बॉल्स। बॉल वीवल की जो एबिलिटी है प्लाज्मा बॉल, उसमें ये स्पीड जो उसकी होती है वो राउंड और ग्रीन कलर की होती है, और जितना वो चलता जाता है उतनी वो बड़ी हो जाती है, और वो मैटर को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, और जब चाहे बॉल वीवल चाहिए वो उसको एक्सप्लोड भी करा सकता है। बॉल वीवल की जो प्लाज्मा बॉल्स होती हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन वो ग्रेविटेशन बी यानी कि एनर्जी की रेडियो एक्टिव एनर्जी ब्लास्ट और एक एरोफीबियन यानी कि एक जटरे के न्यूरोशॉक ब्लास्ट को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। बॉल वीवल की इनहेंस्ड एजिलिटी और इनहेंस्ड बैलेंसिंग है वही उसको एबल कराती है उस रोल ऑन प्लाज्मा, क्योंकि वो उसमें सच में इतना इजी लगता है कि वो इतना अपने प्लाज्मा को चलता जाता है और उसकी प्लाज्मा बॉल बहुत बड़ी होती जाती है। अगर हम बात करें बॉल वीवल की वीकनेसेस की, तो उसकी वीकनेसेस है कि बॉल वीवल हर्ट कर सकता है अगर वो अपनी ओन प्लाज्मा बॉल इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए, और उसके अंदर स्टक भी हो सकता है। बॉल वीवल की एक और वीकनेस है कि उसका जो प्रीडेटर है टेरेंटुला, वो उसका नेचुरल प्रीडेटर है, और सच में हमें वो दिखाया भी गया, और सच में थोड़ा स्केरी लगता है। यही भी कहा जाता है कि बॉल वीवल की जो स्पीशीज होती है वो सेम प्लैनेट से आते हैं जहाँ द वर्स्ट स्पीशीज रहती है, आपको द वर्स्ट एलियन पता ही होगा बेंटन का, और वो वहाँ एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल सैनिटेशन सोल्यूशन। और बॉल वीवल इंस्पायर्ड था एक पोकेमोन फ्रेंचाइज से, और यह भी कहा जाता है कि बॉल वीवल कभी ओमनीट्रिक्स में लॉक्ड नहीं था, बेंटन कभी भी बॉल वीवल में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो यही थी बॉल वीवल की ओरिजिन स्टोरी। अगर आपको और भी ओरिजिन स्टोरी आई तो सिंपली कमेंट करो और लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।